एक ब्रिटिश फॉर्मर आर्मी फिटनेस इंस्ट्रक्टर एमिल सिलियर्स को उसकी पत्नी को मारने के इरादे में दोषी पाया गया था। उसने अपनी पत्नी को स्काईडाइव करते समय उसके पैराशूट में छेद कर दिया था। जब उसकी पत्नी विक्टोरिया 4000 फीट की ऊंचाई पर से प्लेन से पैराशूट लगाकर कूदी तो उसमें छेद हो चुके थे। जब तक कि विक्टोरिया कुछ समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन शायद उसकी किस्मत अच्छी थी और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वह बच जाती है। हालांकि इसमें उनके शरीर की काफ़ी हड्डियाँ टूट चुकी थी, लेकिन वह जिंदा बच जाती हैं। इसी तरह सन 2009 में जेम्स बूल नाम के एक स्काई डाइवर भी 6000 फीट की इतनी ही ऊंचाई से गिरते हैं और वो भी बच जाते हैं, लेकिन कैसे? जब कोई स्काई डाइवर आसमान से जंप लगाता है तो वो हमारी ग्रेविटी की वजह से जमीन की तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करते हुए गिरता है, लेकिन एयर फ्रिक्शन की वजह से वह लगभग 195 किलोमीटर पर आर की स्पीड से नीचे गिरता है। नीचे कूदते समय वे कई पोजीशन में नीचे गिर सकते हैं, लेकिन दो पोजीशन ऐसी होती हैं जिसमें उनके गिरने की स्पीड में बहुत अंतर होता है। उनमें पहली पोजीशन होती है बैली टू अर्थ पोजीशन। इस पोजीशन में वे पेट के बल इस तरह जमीन पर गिरते हैं जिससे उनके नीचे गिरने की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। दूसरी होती है हेड डाउन पोजीशन, जिसमें सिर नीचे करके कूदा जाता है। इस तरह कूदने से उनके नीचे गिरने की स्पीड 240 से 290 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही पोजीशन में सबसे कम स्पीड भी 200 किलोमीटर पर आवर तक होती है। अब अगर इस स्पीड से भी वो नीचे जमीन से टकराएंगे तो उनका हाल कुछ ऐसा होगा। मतलब यहाँ ये बात तो तय है कि सिर्फ बॉडी पोजीशन ही चेंज करके तो वो नहीं बच सकते, लेकिन इस बीच वे अपनी स्पीड जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कम रखें उनके सर्वाइव करने के चांस उतने ही ज़्यादा हैं। तो फिर इस समय वे कर क्या सकते हैं? अब क्योंकि जब वे नीचे गिरते हैं तो उनका ज़मीन से टकराना तो तय है, लेकिन अगर इस बीच वे किसी ऐसी जगह गिरे जो थोड़ी कम खतरनाक हो, जैसे कि किसी झाड़ियों पर, किसी कार पर या घने पेड़ों पर, लेकिन पानी पर बिल्कुल नहीं, तो उनके बचने के चांसेस थोड़े और ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको गिरते समय अपने गिरने की डायरेक्शन को चेंज करना होगा। पर यह होगा कैसे? इसके लिए स्काई डाइवर नीचे गिरते समय बॉक्स पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। इस पोजीशन में वे अपने शरीर को इस तरह डब्लू के आकार में ले आते हैं। कहते हैं कि इससे उनके शरीर की रचना एक एयरप्लेन की तरह हो जाती है और इसकी मदद से वे नीचे गिरते समय अपने गिरने की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। जुलाई 2016 में इसी का डेमो करने के लिए एक स्टंटमैन लूक एकिंस ने कैलिफोर्निया डेजर्ट के 25,000 फीट ऊपर से एक प्री प्लांट जंप लगाई थी, वो भी बिना पैराशूट और बिना विंग सूट के। लेकिन वहाँ इनके नीचे एक नेट लगा हुआ था जिसमें उन्हें 25,000 फीट ऊपर से आकर गिरना था। क्योंकि उन्हें इस पोजीशन का डेमो करना था तो उन्हें इसी पोजीशन का यूज़ करके ही वहाँ तक पहुँचना था। अब यहाँ उनके सामने ये चुनौती थी कि किस तरह वो हवा के बहाव को मात दे पाते हैं, और बैम, उन्होंने ये कर दिखाया। तो एक तो ये तरकीब है जो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपके बचने के चांसेस कुछ तो बढ़ा ही सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर ऐसी स्थिति में आपके सामने कोई दूसरा स्काई डाइवर मौजूद है तो आप इस पोजीशन का यूज़ करके उस तक पहुंचने की भी कोशिश कर सकते हैं। लैंड करते समय अपने पैरों के बल लैंड करें, क्योंकि इससे आपकी टांग की लंबी हड्डी इस फोर्स को गिरने पर फेस करेगी, जिससे आपको बॉडी में थोड़ा कम इंजरी होने का खतरा रहेगा। अपने सिर को लैंड करते समय कवर करने की भी कोशिश करें। लेकिन ये सब टेक्निक काम कैसे करेगी? सिंपल सा सवाल है जो आपके दिमाग में भी आया होगा कि गिरते समय इतने कम वक्त में कोई इन सब बातों का ध्यान कैसे रख सकता है। मेरे भी दिमाग में यही सवाल आया, और जब मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि ज़्यादातर स्काई डाइव 13,000 फीट की ऊंचाई से की जाती है, और इस ऊंचाई से अगर वो फ्री फॉल भी होते हैं तो उन्हें नीचे आने में लगभग 60 सेकंड यानी पूरा एक मिनट लगेगा। वैसे ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस एक मिनट में आप वो सारी चीज़ें अपना सकते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। इस स्थिति में अगर आपको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर ध्यान देना होता है तो वो है कि एक मिनट में लगातार इन चीज़ों को करते रहने की कोशिश करते रहना, और हड़बड़ी में आकर खुद को पैरालाइज होने से बचाना। शायद आपको ना पता हो, लेकिन स्काई डाइविंग में गिरकर मरने के चांसेस 71,000 में से एक ही होता है, जबकि किसी रेगुलर जगह से गिरकर मरने के चांसेस 20,000 में से एक है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में भी आपको मेरे कंटेंट देखने चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।